महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सामाजिक कार्यकर्ता और सीपीआई नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ। कुछ बदमाशों ने गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी पर उस वक्त गोली चला दी जब दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस हमले में दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता गोविंद पानसरे पर हुई फायरिंग के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पानसरे पर कोल्हापुर में रविवार की सुबह जानलेवा हमला हुआ। अज्ञात बदमाशों ने उन पर तब गोली चलाई जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। हमले की इस खबर को सुनकर महाराष्ट्र में हर कोई हैरान है। सबने हमलावरों को पकड़ने के लिए सरकार से मांग की। इस हमले का मैं निषेध करता हूँ और महाराष्ट्र सरकार को पुलिस को अपील करता हूँ कि अपनी पूरी ताकत लगाइए और इसमें जो फोर्सेस है उनको एक्सपोज करके उनको कंट्रोल करने के लिए जो जो कुछ कर सकते हैं वो करने की आप कोशिश करिए। हत्या हत्या है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। किसी भी सरकार के लिए इस प्रकार की सिचुएशन होना ठीक नहीं है और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हमलावरों ने गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी पर चार राउंड फायरिंग की। पानसरे को एक गोली गर्दन के पीछे लगी और एक गोली हाथ को छूते हुए निकल गई, जबकि उनकी पत्नी को एक गोली लगी। गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी की हालत गंभीर है। सरेआम हुई इस फायरिंग को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अत्यंत धक्कादायक आणि निषेधार्य अशा प्रकारचा हल्ला आहे आणि पोलिसांनी आता तातडीने 10 टीम्स तयार केलेले आहेत। हल्लेखोरांना पकडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। सगळी नाकाबंदी केलेली आहे। मी स्वतः एसपींना सांगितलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तातडीने यांना पकडलं पाहिजे। गोविंद पानसरे पर जानलेवा हमले की निंदा करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने उम्मीद की है कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। विकास पाटिल, इंडिया टीवी, कोल्हापुर।